तरीन आदमी हमारे एक और शख्स मौजूद है जो बड़े सुकून से ऐसे बैठे होते थे। हमने सोचा कि इनके पास जाते और जानते कि उन्हें क्या जिंदगी में जो है फ्री चीज चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपने? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप टेक लगा के बड़ी एक शायरी सी सुन रहे थे, खैर है? वैसे ही बैठा हुआ था, फ्री था इसलिए। फ्री थे, ये बताएं कि जिंदगी में कोई मौका मिलता है, कोई चीज़ फ्री मिल रही है आपको, एक एक चीज़ क्या लेंगे? मैं वफादारी लूँगा। किससे लेंगे? घोड़े से? लोगों से, क्योंकि आजकल के लोग बेवफा हैं। देखा है, मीनी शायरी सुन रहे थे। कौन बेवफा है और क्यों बेवफा? आजकल जिससे भी करें बेवफाई है। वफाई लेके आपने क्या करना है? कौन से वफाई लेके? घर बन जाते, गाड़ी आ जाती है, जहाज मिल जाता है, हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। वफा होनी चाहिए, सब कुछ आ जाता है। गाड़ी आ जाती है? आ जाती है। इंसान वफादार होना चाहिए। वफादारी से गाड़ी कैसे आ सकती है, पेट्रोल कैसे डल सकता है? अल्लाह ताला ने हाथ पांव सलामत दिए हुए हैं, गाड़ी पेट्रोल खुद कमा के भी ले सकता हूँ। अच्छा, नहीं, ये उन बेचारे को से वफादारी चाहिए। ये बताएं कोई कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ? बहुत कुछ हुआ है। ओहो, बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ में कुछ छोटा सा कुछ कुछ बता दे। एक लड़की थी, दीवानी सी। दीवानी सी बहुत थी, 9 साल का रिलेशन था उससे। अच्छा, बेवफाई हुई उसने की? उसने की। क्यों की? कभी पूछा उससे? उसको पैसे वाला मिल गया था। वही तो बात है, अगर आपके पास होता आप कमा के दे देते उन्हें इतना। उसको ना मुझ पे यकीन नहीं था शायद, पर मेरी अपनी शॉप है। यकीन नहीं था कि इतना कमा के मुझे दे सकता है। यकीन नहीं था। यकीन करवाया क्यों नहीं? शायद उसे ज्यादा जल्दी थी। उसको ज्यादा जल्दी थी, ये बताएं। उसने उसको कोई मैसेज, फोन आया, शादी हो गई? आप करते हैं, लेकिन मैंने कभी रिप्लाई नहीं दिया, ब्लॉक किया हुआ। बेवफाई कौन कर रहा है? कौन? वही कर रही है। उसने छोड़ के, पहले वो छोड़ के क्यों गई थी? आपको मैसेज आते हैं? मैसेज आप नहीं रिप्लाई करते? चलो, आपने कौन से वफा का सिला दिया? वफा का सिला? वो तो निकले बेवफा, आपने कौन से उसको रिप्लाई कर दिया? वो मुझे छोड़ के क्यों गई थी? क्या पता कोई कोई शैतान भड़काई देता इंसान को। 9 साल में शैतान ने नहीं भड़काया। वही ना, क्या पता शैतान की मर्जी कब जब भी भड़का ले। नहीं होता इस तरह, नहीं होता इस तरह, नहीं होता। तो शैतान को आप कहे ना? शैतान को मैं क्या कहूँ, मैं उससे भड़काया। बेहतर है उससे दूर हो जाए इंसान। एक दो दफा ही होता है ना ठोकर, एक दो दफा। अच्छा, कोई माफी चलाफी की उसने कि नहीं? माफी दे दो। माफी मांगी पर वो अपनी गलती नहीं ना मानती। क्या कहती है? कहती मैंने गलती नहीं की, पर गलती की है ना। अच्छा, एट द एंड क्या सोचा हुआ है? कुछ भी नहीं, बस जो वफादार ढूंढना है। वफादार ढूंढना। किधर से ढूंढेंगे? पाकिस्तान में मिल जाएगा कोई? बहुत बड़ी दुनिया, कोई ना कोई तो होगा। कोई ना कोई तो होगा। ये तो फैमिली ने कुछ सोचा नहीं कि शादी करा दे लड़का, वफादारी के चक्कर में कुछ 60-70 का ना हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह रबी अव्वल में शादी है। आप घर वालों की मर्जी से वफादार है वो, देखें आप। देखिए वही देखनी आपने, कह सकते ये बताएं कोई देखे ना। अब आपने सर उनके बारे में बताया, तो उनको भी इस बारे में बताया कि किसी ने मुझे 9 साल में सर इस तरह किया मेरे साथ। मैंने बताया। क्या कहा उसने? मैंने घर वालों को बताया कि मेरे साथ ये हुआ, किसी को तो नहीं बताया। मेरे काका बड़ा चंगा काम किया। क्या कहना है, गालियां ही मिली हैं। उन्होंने कहा काका तुम तुम्हें दुकान पे भेजते हैं, तुम ये काम कर रहे हो। तब दुकान नहीं थी ना पास, सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बंगला है। नहीं, अल्लाह ताला देगा, देगा इंशाल्लाह। ये अपने अब वाली, अब जिनके साथ आपकी हुई है उनसे किस तरह की एक्सपेक्टेशंस है आपको? बहुत अच्छी हैं, अल्लाह करे के। फिर भी ना यहाँ दुखी बैठ के लगा के देखने लगे हुए थे शायरी वगैरह। अच्छा, अब आपने कहा कि आपको वफादारी चाहिए जी, वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। इंशाल्लाह, उम्मीद है। इसके अलावा कुछ चाहिए? कुछ जहाज, हेलीकॉप्टर, गाड़ी ले लें, ये ना होगी इससे भी जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ताला बस रिज़्क़ हलाल दे, और कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया। कोई पब्लिक के लिए पैगाम? कोई अच्छा कोई शेर सुना दें। शेर नहीं आता। टैलेंट हो कोई? कोई टैलेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगले ने शादी के बाद का भाई कोई गाना ही सुना दो भाई। चले, क्या सुनाएंगे? कोई शेर सुनाना, कोई क्या सुनाएंगे? ओके, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सुनाएंगे। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया।